महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हम किसी के बंदिश से निकल के बाहर आ रहे हैं खुली हवा में, तो पार्टी गुड नहीं है, पार्टी एक ही है। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं जरूर लड़ूंगा वहां से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं जरूर लड़ूंगा वहां से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। उनको 66 करोड़ रुपीज मिली, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत शिंदे साहब की मदद से मिलता है। और उनको तुम सभागृह में कहते है कि जिन जनची लायकी ने तैरना नहीं देने डाला, आज उनकी लायकी निकालते। अरे साहब, चार चार बार चुन के आए हुए वो, आप किसी की लायकी नहीं निकले उस बात का हम निषेध करते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम उन्हें जरूर माफी करने लगाएंगे कि लायकी ना निकाले कोई लोक प्रतिनिधि की। वो लोक प्रतिनिधि पिछले 20 साल में हमारे साथ सभागृह में कंधे से कंधा लगा के काम किया है। आपके फोटो का पहला कार्यालय उद्घाटन हो रहा है। पहली बात तो हम गुट नहीं है, हम पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम हैं। और वो कार्यालय हम हमारे नेतृत्व में, हम अध्यक्ष आज परांजपे साहब है और उन्होंने कहा कि हमें कार्यालय अच्छा और बड़ा चाहिए, जहां कार्यकर्ताओं को सब सुख सुविधा मिले, एक मौका हमको जीने के साहस मिले, हमें कोई दबाव नहीं रहे, हम अपनी मर्जी हमारे पवार साहब के विचारधारा से काम कर सके, इसके लिए नया कार्यालय उगड़ रहे हैं हमसे। हम किसी के बंदिश से निकल के बाहर आ रहे हैं खुली हवा में, तो पार्टी गुड नहीं है, पार्टी एक ही है। लेकिन विरोधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी में बगावत हुई, जिस तरीके से दो गुटों में विवाद, जिस तरह शिवसेना में बगावत हुई, उसके बाद राष्ट्रवादी में बगावत हुई है, अक्सर में राष्ट्रवादी किसकी इस चीज को भी लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। विरोधी के आरोप लगा रहे उससे हमको मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन और जो अथॉरिटी है जिसको सर्टिफाई करती है वो क्या कहते हैं वो बहुत महत्व है। और अभी तक सर्टिफिकेशन के हिसाब से आज तक जितने भी वक्तव्य है उसके हिसाब से राष्ट्रवादी एक है। इस तरीके से आप लगातार नजीक भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी की, अगर सर आपको आंदरगी का टिकट दिया तो मुमरा से मैं लगूंगा, जिससे ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की उधर ताकत है। और ऐसा कहा गया है कि किसी की टिकट नहीं कट हो सकती है। इतिहास कहता है कि बहुत से सीनियर आमदार भी, जूनियर आमदार भी रिपीटेशन के बारे में होता है। आज वो अल्पसंख्यक बहुलों के एरिया है, हमारे हिंदू भाई भी उधर, जब हम हिंदू भाइयों को चुन के देते, हिंदू भाई भी आज चाहते हैं भारत की एकता है, नई आगाड़ी नए विचार के साथ चल रही है, सांप्रदायिक शक्ति के बाजू में रख के काम कर रही है, विकास काम के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं जरूर लड़ूंगा वहां से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। सर कला मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर दीदी के ऊपर जो सवाल उठाया गया, बहुत ही शर्म की बात है कि जिन लोगों ने तुमको सराहा, जिन लोगों ने तुमको एक विधानसभा में बात करने का, वहाँ बैठने का मौका दिया, आप वो 2009 साल भूल चुके क्या? वही नगर सेवक थे जिन्होंने तुम्हारे को साथ दिया, वही नगर सेवक है जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके अपने अपने पार्टी को छोड़ के राष्ट्रवादी में शामिल हुए। और आज वही नगर सेवक एक निधि की मांगनी करते हैं उनके रुसूख के हिसाब से श्रीकांत शिंदे साहब के पास, जो उनके खासदार है। और वो मांगनी के ऊपर उनको 66 करोड़ रुपीज निधि, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत शिंदे साहब की मदद से मिलता है। और उनको तुम सभागृह में कहते हैं कि जिन जनची लायकी ने तैरना निधि देने डाला, आज उनकी लायकी निकालते। अरे साहब, चार चार बार चुन के आए हुए वो, किसी की लायकी ना निकाले, उनके पास भी जिनके आने का गुण है, मान सम्मान सबको चाहिए, जैसा आप मान दोगे दूसरे को वैसा सम्मान आपको मिलेगा। आप किसी की लायकी ना निकाले उस बात का हम निषेध करते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम उन्हें जरूर माफी करने लगाएंगे कि लायकी ना निकाले कोई लोक प्रतिनिधि की। वो लोक प्रतिनिधि पिछले 20 साल में हमारे साथ सभागृह में कंधे से कंधा लगा के काम किया है, विरोधी गट के नाते हर आंदोलन किए हैं, और उनको निधि मांगने का हक है। आज उनको कोई निधि दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि पेट में दुखना चाहिए। तो हमारा यह सवाल उठता है वो लोक प्रतिनिधि से कि निधि इंपॉर्टेंट है कि वो निधि तुमने लाना इंपॉर्टेंट है? विकास उधर का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है
वहाँ का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा ठेकेदार कौन बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ वो चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि बने हुए रस्ते को खोद के नया काम बनाता है। आके काम देखिए मुमरा में विकास कामों को जो निधि ली हुई है, आपका मुमरा मार्केट के जैसा तो नहीं कि मार्केट बनाया, पवार साहब लाखों को उद्घाटन किया, 7 करोड़ रुपए खर्चा किया, आज मार्केट की जगह पे स्कूल बनी हुई है, क्योंकि कोई भी प्लॉट खुली जगह पे आपने बनाया। आपके इधर वैसा तो नहीं कि डामर का काम किया और कंक्रीट रोड बाद में बनाया, एक ही काम की दो दो बार फाइल बनी।